हेलो फ्रेंड्स, आज यम्मी बाई सिम्मी में मैं बनाने जा रही हूँ भरवा भिंडी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आज मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और इसको अच्छे से धोकर सुखा लिया है और अब मैं इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को ऐसे काट दूंगी और इसके बीच से भी एक कट लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें बीच से भी एक कट इसमें लगा देना है। एक और करके दिखाती हूँ, पहले भिंडी के ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से को काट देंगे और बीच से भिंडी में ऐसे हम कट लगा देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। ये देखिए, सारी भिंडी कट करके हमने रेडी कर ली है। अब ये तैयार है। अब इसको बनाने के लिए हम कुछ मसाले तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच धनिया, 2 बड़ी चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच कलौंजी ली है। इन सबको अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक पैन में गरम करके इन सबको डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। आंच को हमें बहुत तेज नहीं रखना है, मीडियम आंच पर ही इसे भूनना है। इसमें से जब हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर तैयार हो गया है। पाउडर आप महीन या दरदरा कैसे भी बना सकते हैं। अब इस मसाले को हम निकाल लेंगे और इस मसाले को आगे हम भरवा भिंडी में यूज़ करेंगे। अब 2 चम्मच हमने ये मसाला ले लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इन सबको मिला देंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। बस ये सरसों का तेल डालकर भी मसाले को हमने मिला लिया है। अब मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसकी हम स्टफिंग भिंडी में करेंगे। ये हमने भिंडी ले ली है और इसको बीच में हाथ से ऐसे खोल लेंगे और स्पून की हेल्प से इसमें हम मसाले को दबा दबा कर भर देंगे। ये देखिए, एक और करते हैं। बीच से भिंडी को खोलेंगे और फिर स्पून से इसमें ऐसे प्रेस कर करके मसाले को भर देंगे। इसी तरह से हम सारी भिंडी में मसाले भर लेंगे। ये सारी भिंडी में मसाले भर चुके हैं। बस अब इसे तेल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसको गरम होने दिया है। जब तेल गरम हो गया है तो अब हम सारी भिंडी को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर अब हम गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि भिंडी हमारी जले नहीं। इसको हल्के हाथ से ऐसे मिला देंगे ताकि तेल जो है
वो हर जगह पहुंच जाए, सारी भिंडी में तेल लग जाए। हल्के हाथों से स्पैचुला से इसे ऐसे चला देंगे। बस अब इसे हम ढक देंगे। यहाँ भिंडी को हमें ज़्यादा नहीं ढकना, 2 से 3 मिनट के लिए बस एक बार ढकना है ताकि भिंडी पक जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। बस अब हम भिंडी को खोल कर ही ऐसे चलाते हुए इसको धीमी आंच पर पका लेंगे। अब एक साइड से भिंडी हमारी पक चुकी है तो अब इसे हम पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। इस तरह से धीरे धीरे हमने सारी भिंडी को पलट लिया है। बस अब ये भिंडी पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये भिंडी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे परांठे के साथ खाइए, आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको, और इसको बनाना भी कितना आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रेसिपी को लाइक करिए, इसको फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय।